कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 29 मार्च की घोषणा के बाद राहुल गांधी रविवार को पहली बार राज्य की यात्रा पर आए। इस दौरान अमूल बनाम नंदिनी विवाद के बीच राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक नंदिनी स्टोर का भी दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, कर्नाटक की शांत नंदिनी इज द बेस्ट। कांग्रेस नेता ने अदानी मुद्दे के जरिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने दोहराया कि वो केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से डरते नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि मुझे संसद से हटाकर धमकाकर डरा देंगे, मैं इनसे नहीं डरता। मुझे अयोग्य घोषित कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, अगर आप 1000 करोड़ रुपए अदानी को दे सकते हैं तो हम गरीबों, महिलाओं, युवाओं को पैसा दे सकते हैं। आपने दिल भर के अदानी की मदद की, हम दिल भर के कर्नाटक के लोगों की मदद करेंगे। हमने कर्नाटक की जनता से 4 वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहला है कि घर घर के परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा वादा है कि हर महीने हर महिला को 2000 रुपये दिए जाएंगे। तीसरा वादा है कि हर महीने हर परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। चौथी योजना है कि हर महीने 2 साल के लिए कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये दिए जाएंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया। उन्होंने 40% कमीशन खाया। काम करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक के लोगों से पैसा चोरी किया। जो भी उन्होंने किया, उन्होंने 40% कमीशन लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर ये बात कही है। पीएम ने इस खत का जवाब नहीं दिया। खत का जवाब न देने का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने ये बात मान ली है कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जाता है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने बेंगलुरु में इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ है कि नफरत, हिंसा, संस्थानों पर हमले के मामले में बीजेपी देश के लिए क्या कर रही है। यह ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को दिखाई देती है। हमारे देश की प्रकृति पर हमला हो रहा है। अब हम कर्नाटक में चुनाव का सामना कर रहे हैं और मैं ये देखकर खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत मजबूत समर्थन है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर